Hello, my dear students. How are you all? I hope everyone is fine. So, all of you take out page number 46 of your textbook. पिछली वीडियो में आपके लिए दो एक्टिविटीज थी, है ना? आपको कुछ ड्राइंग्स करने थे, राइट? पिक्चर्स बनाने थे शेप्स यूज करके. आई होप सबने अपनी वो एक्टिविटी कंप्लीट कर ली होगी. तो आज हम स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 46 से, जो कि आपका चैप्टर नंबर 6 का लास्ट पेज है इन योर टेक्स्ट बुक, राइट? तो आज हम टेक्स्ट बुक में ये वाला चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. ड्रेसिंग अप बिसनिया. तो ये नाम बिसनिया किसका है? इस लड़की का, राइट? अब इसको ड्रेसिंग अप करना है हमको. बिसनिया wants to dress up for a dance. ठीक है, बिसनिया को एक डांस के लिए रेडी होना है. Use different shapes in the box and draw jewelry on her. अच्छा, तो हमें यहाँ पर कुछ ज्वेलरी ऑप्शंस दिए हैं ना, शेप से, अलग अलग शेप से बनी हुई ज्वेलरी है, और हमें इसको क्या करना है, अलग अलग शेप्स वाली ज्वेलरी. तो यहाँ पर डिफरेंट शेप्स दिए हुए हैं, राइट? ये गोल गोल कान के समझ लो कि इयररिंग्स बना दिए, ये बना दिया, और यहाँ पर नेकलेस है. तो हम इसमें से कुछ डिजाइन को उठा के यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, बिसनिया को ज्वेलरी पहनाएंगे, राइट? पहले तो देख लो कि कौन सा कलर मैच होता है. इसने कौन सा कलर पहना हुआ है? ब्लू है, रेड है, येलो है, राइट? तो ये बेसिकली इसने तीन कलर्स पहने, ब्लू, रेड एंड येलो, राइट? तो हम कुछ ऐसे ही कलर्स चूज करेंगे, राइट? चलिए, तो नेकलेस समझ लो ये वाला, राइट? मैंने पेंसिल से ड्रॉ किया है नेकलेस, तो मतलब इट्स नॉट सो विजिबल, पर मैंने कैसे किया है देखो. यहां पर हम एक ट्रायंगल बना दिया, ठीक है, नेकलेस के ऐसे, जैसे यहां पर दोनों साइड ट्रायंगल बना हुआ है, तो ऐसे ट्रायंगल बना दिया, राइट? फिर एक रेक्टेंगल यूज किया है, तो मैंने यहां पर बना दिया एक रेक्टेंगल, और यहां पर एक छोटा सा स्क्वायर, यहां पर एक बड़ा सा रेक्टेंगल और यहां पर एक छोटा सा स्क्वायर, ठीक है. फिर मैंने लास्ट में भी एक रेक्टेंगल ही यूज किया, ऐसे करके एक रेक्टेंगल यूज किया और यहां पर एक ऐसे गोल बना दिया, राइट? तो ऐसे करके मैंने एक नेकलेस रेडी कर दिया. मतलब ये बहुत ज्यादा छोटा है और मेरा थोड़ा बड़ा है, बाकी इट्स ऑल सेम, ठीक है. और चलो, ये तो हो गया नेकलेस. अब कानों में कौन सा? आई थिंक फॉर इयर्स ये वाला बहुत अच्छा है, राइट? ये यहां पर स्क्वायर बनाया है और उसके अंदर एक छोटा सा ट्रायंगल बनाया है, राइट? तो यहां पर स्क्वायर बना देंगे और एक उसके अंदर रेक्टेंगल. अरे, इसमें शो नहीं हो रहा है, बट आई एम ड्रॉइंग, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, ठीक है. एक स्क्वायर बनाया है ऐसे करके, ठीक है, आपको थोड़ा बड़ा करके दिखा रही हूं. फिर उसमें से एक ट्रायंगल बना दिया, ठीक है. तो ऐसे करके मैंने इसके इयररिंग्स भी बना दिए. ये वाला मैंने इयररिंग्स में यूज किया यहां पर कानों में, और ये वाला नेकलेस, एज अ नेकलेस, ठीक है. अब और क्या चाहिए हमें? बैंगल्स. तो ये वाले बैंगल्स अच्छे लगेंगे, राइट? आई थिंक बिकॉज ये ग्रीन एंड येलो, तो इसमें ग्रीन तो है ही नहीं, येलो एंड रेड एंड व्हाइट लुक्स गुड, ठीक है. व्हाइट तो किसी में भी चलता है, तो ये हमने यहां पर इसके हाथों में पहना दिया, है ना. तो ये बनाया कैसे? ऐसे करके राउंड किया, उसमें एक और बड़ा राउंड किया, और ऐसे बीच बीच में जगह छोड़ दी, तो बन गए, ठीक है. ये हो गई बैंगल रेडी. चलिए नेक्स्ट इज शेप्स एंड फेसेस. ए, ड्रॉ ग्लासेस ऑफ रेक्टेंगल शेप ऑन द फर्स्ट फेस. अच्छा, तो यहां पर कुछ फेसेस दिए, चार फेसेस दिए हमें. क्या बोला है यहां पर? ड्रॉ ग्लासेस, ग्लासेस बोले हैं. इट मीन्स आपको चश्मा बनाना है इस लड़की का, रेक्टेंगल शेप ऑन द फर्स्ट फेस. तो यहां पर ऑलरेडी किसी ने प्रैक्टिस किया, लेट मी ड्रॉप दिस सी. तो उन्होंने हमें क्या बोला है कि हमें रेक्टेंगल शेप के उसके मुंह पर, यहां पर फेस पर ग्लासेस बनाने हैं, ठीक है, चश्मा बनाना है. तो बना देते हैं हम. रेक्टेंगल बना दिया उसकी एक आंख पे, दूसरी आंख पे भी एक रेक्टेंगल बना दिया, ठीक है, और यहां से कर दिया ज्वाइन, ये हो गया चश्मे, ठीक है, बना दिए. चलिए, नाउ ड्रॉ अ मस्टैच ऑफ ये वाला शेप,
ऑन द सेकेंड फेस, इसके ऊपर हमें मुस्टैच बनानी है। तो कैसे बनाएंगे? ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे और ऐसे, बन गई मुस्टैच। नेक्स्ट इज ड्रॉ अ सर्कल माउथ ऑन द थर्ड फेस, तो ऐसे करके उसके फेस के आसपास इसे सर्कल कर देना, ठीक है। ड्रॉ अ स्क्वायर फेस इन द लास्ट पिक्चर, यहां पर स्क्वायर बना देना, ठीक है। ये मैं पेंसिल से ऐसे ही बना रही हूं, अब स्केल यूज करना। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पर बना दिया स्क्वायर, सर्कल, यहां पर मुस्टैच बना दी और यहां पर बना दिए ग्लासेस। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।